जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको शुक्रवार त्रयोदशी पर दोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। सुनिए, शुक्रवार त्रयोदशी पर दोष व्रत की पूजा विधि सोम पर दोष व्रत के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधु को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। जो भी कोई इस व्रत को करता और सुनता है, उनके सभी मनोरथ भोलेनाथ पूरी करते हैं। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।